नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस प्रत्याशी सिमरिया, अब है मिश्रा का दावा। सिमरिया की आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई है। हर दिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का सिलसिला इलाके के लोगों का बरकरार है। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वालों में सिमरिया के बजरंग दल के प्रमुख गोकर्ण पाठक, पूर्व जनपद अध्यक्ष सिरमौर श्रीमती रीता तिवारी सहित कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें प्रमुख रूप से अनिल तिवारी, निजामुद्दीन, शिवम शुक्ला, अशोक आदिवासी, हरिनाथ, राजा भाई पांडे, हनुमान सिंह अशोक आदिवासी, तेज बली रावत, छोटी लाल कोरी, विजय सोनी, मनीष चतुर्वेदी, भैयालाल सोंदिया, अमर पांडे, सुखेन नामदेव, मुकेश साहू, विजय सोनी जैसे लोग शामिल रहे। अभय मिश्रा का कहना था, सिमरिया में परिवर्तन की हवा बह रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, जिसके चलते सिमरिया के स्थानीय लोग जो पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हर दिन सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लोग सूखा और बाढ़ में पलायन करते हैं, लेकिन सिमरिया में मतदान भय, आतंक और भ्रष्टाचार से पलायन करने का विवश हो गए। अभय मिश्रा का साफ तौर से कहना था, सिमरिया में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, उसको देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है वहां विकास हुआ ही नहीं। वो जितना विकास छोड़ के गए थे सिमरिया में, उसके आगे पिछले 5 सालों में सिमरिया में कोई भी काम नहीं हुआ, ऐसा कहना था कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का। उनका कहना था, वर्तमान में कांग्रेस की लहर चल रही है, प्रदेश परिवर्तन की राह पर है, परिवर्तन करना चाहता है। मैं सिमरिया में देख रहा हूँ कांग्रेस की लहर है, मुझे आश्चर्य है भाजपा के लोग कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह के चलते रोज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। सुनिए अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। टिकट न मिलने की लोगों को उम्मीद थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अहंकार का परिचय दिया, उससे लोग बहुत नाराज हैं। और हमारे विरोधी पूरी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50% भाजपा, मध्य प्रदेश की डेट पे भाजपा छोड़ के कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? बड़े दावे कर रही है। मैं जाता हूँ, आपको खुद समझ में आ रहा होगा मैं भाजपा विकास के बड़े दावे कर रही है। प्रभारी प्रताप भानु जी आए हुए, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ा क्षमा करिए। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।